तो ऑफिशियली सोनी ने ग्लोबली अपने नए टीवी लाइनअप लॉन्च कर दी, जिसमें हमें ए सीरीज का भी वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें हमें A95L और A80L ऐसे दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और इन वेरिएंट में हमें अलग अलग डिस्प्ले साइज देखने को मिलते हैं, और साथ ही इसमें हमें बहुत ही बढ़िया और कूल फीचर इस सोनी के नए टीवी लाइनअप में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस, सभी चीजें यहाँ पर एकदम नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करता है। इन्हीं सभी पिक्चर्स के बारे में आज के वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाला, तो ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है, और लाइक करके ऐसा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोनी के इन नए स्मार्ट टीवी में यहाँ पर हमें मल्टीपल वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सोनी के इस A95L में हमें यहाँ पर 55 इंच, 65 इंच और 77 इंच ऐसे तीन वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं, और साथ ही A80L में यहाँ पर हमें 55 इंच, 65 इंच, 77 इंच और 83 इंच ऐसे चार मल्टीपल वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से हम इजीली हमारे मनपसंद वेरिएंट चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें 4K OLED HDR 10 प्लस का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पर चली जाती है। पिक्चर क्वालिटी को सोनी ने इस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंप्रूव किया, जिससे हमें पिक्चर देखते वक्त या मूवी देखते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती, एकदम नेचुरल पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड की, एकदम नेचुरल कलर इस बार हमें देखने को मिलते हैं। जो पिक्सल क्वालिटी वो भी यहाँ पर हमें एकदम बढ़िया से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग टेक्नोलॉजी वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिससे जो पिक्चर्स एकदम ब्यूटीफुल और नेचुरल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 100% यहाँ पर नेचुरल कलर्स यहाँ पर जो पिक्चर्स की मदद से हम एंजॉय कर पाते हैं, जिससे जो पिक्चर्स एकदम बढ़िया यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। साथ ही इसकी अगर डिजाइन और डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें एकदम प्रीमियम डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साथ ही बेजललेस जो डिजाइन है वो देखने को मिलते हैं, जिससे जो लुक है टीवी का एकदम ब्यूटीफुल और बड़े यहाँ पर मिल जाते हैं, एकदम रिच लुक यहाँ पर सोने के इन दोनों ही स्मार्ट टीवी में मिलता है, जिससे हम इन्हें बड़े तरीके से यूज कर पाते हैं, बड़े तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। गेमिंग में भी बहुत ही बढ़िया और नेक्स्ट लेवल फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ऑटो HDR मोड, स्पेशल गेमिंग मोड, गेमिंग ऑन मोड, ऐसे अलग अलग मोड और बड़े बड़े फीचर कस्टमाइज हम इजिली कर सकते हैं, और बड़े तरीके से गेमिंग को हम इजिली एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसको हम PS5 इजिली यानी कि गेमिंग कंसोल भी इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल मोड्स को हम यूज करके अलग अलग मोड्स में हम इसे गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। टीवी में भी अलग अलग पिक्चर्स मोड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम इजिली अलग अलग मोड्स की मदद से अलग अलग पिक्चर्स को बड़े तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और बड़े तरीके से जो पिक्चर्स की क्वालिटी, जो मूवीज़ की क्वालिटी है, जो स्पोर्ट्स की क्वालिटी है, सारी चीज़ों को एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जो इंटरनल फीचर्स है उसकी तो भरमारी पड़े, मतलब जो इंटरनल फीचर्स है एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पर सोनी ने प्रोवाइड किया, जिससे हम फीचर्स यूज करते करते ही थक जाएंगे कि कौन सा फीचर कहाँ यूज़ करें। इतने सारे फीचर्स सोनी ने इस बार अपने सारे टीवी लाइनअप में लॉन्च किए, और बहुत ही बड़े तरीके से हम इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मूवीज़ को एंजॉय करने के लिए भी इसमें हमें साउंड की भी बहुत ही बड़े तरीके से जो एंजॉयमेंट है वो देखने को मिलते हैं। 3D साउंड और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे जो पिक्चर की साउंड एकदम नेचुरल, ब्यूटीफुल और एकदम लाउड साउंड क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिससे हम एकदम म्यूजिक या मूवीज़ को एकदम बड़े तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, और एकदम जो नेचुरल या जो साउंड क्वालिटी एकदम स्क्रीन से जैसे कि निकल रही है ऐसा हमें फील दिलाती है, जिससे जो साउंड एकदम बढ़िया और पावरफुल साउंड इसमें हमें दिया गया। और यहाँ पर हमें सोनी का XR प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिससे इन सारी चीज़ों को एकदम बड़े तरीके से वो प्रोसेसर ऑपरेट करता है, जिससे जो सोनी का स्मार्ट टीवी एकदम बड़े तरीके से चलता है। यहाँ पर हमें एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल का भी सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड्रॉइड टीवी यहाँ पर हमें इनबिल्ट मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर हम इजीली वॉइस के जरिए इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन मिरर, रिंग, क्रोम कार्ड, बाकी जो सारे फीचर्स यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें सिनेमाटोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे हम इन टीवीज़ को एकदम नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा तरीके से हम इस टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, और एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें इस टीवी में हम कर सकते हैं। तो ऐसे सोनी के इन स्मार्ट टीवी के सीरीज में हमें बहुत ही बढ़िया और कूल फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बड़े तरीके से यूज कर सकते हैं, बड़े तरीके से सोनी का जो स्मार्ट टीवी है एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो, चाहे वो गेमिंग फीचर हो, चाहे वो साउंड क्वालिटी हो। तो जो फीचर्स है उसमें हमें कोई कमी नहीं देखने को मिलते, जो एकदम बढ़िया यहाँ पर हमें टीवी में फीचर्स देखने को मिलते, एकदम नेक्स्ट लेवल इस टीवी को हम एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो सारे फीचर्स हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेवल यूज कर सकते हैं, मतलब टोटल और ट्रू पैकेज इस बार सोनी ने अपने स्मार्ट टीवी में दिया है, जिसे एकदम बड़े तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया, बड़े तरीके से इस स्मार्ट टीवी को उन्होंने प्रोवाइड किया। ये जो स्मार्ट टीवी अभी सिर्फ ग्लोबली लॉन्च हुआ है, देखते ये जो स्मार्ट टीवी इंडिया में कब तक और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। जब भी ये स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च होगा मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा मेरे वीडियो से या मेरे चैनल से कि ये जो स्मार्ट टीवी सोनी ने लॉन्च है वो लॉन्च कर दिया है और इस प्राइस रेंज पर लॉन्च किया है। इसके अभी तक कोई ऑफिशियल प्राइस भी उन्होंने अनवील नहीं किया है, सिर्फ ग्लोबली इसे रिवील या
लॉन्च किया है। तो जल्द ही ये स्मार्ट टीवी जो है वो इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है, मुझे उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।